मैं सुधा जैन, हिंदी अध्यापिका, स्टेट टीचर अवार्ड विनर, आपको सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोहाना की तरफ से मैं आज स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2016 हेतु आपको अपने प्रांगण के दौरे के लिए चलती हूँ। इस स्कूल के जितने भी आयोजन हैं, जितना भी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कार्य किया गया है, वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मैडम श्रीमती उषा महाजन जी की मेहनत और उनके पर्सनल रिसोर्सेज से को यूज़ करके इस स्कूल को स्वच्छ भारत अभियान के तहत सुंदर बनाया गया है। तो मैं आपको लिए चलती हूँ आपके स्कूल के प्रांगण में। यही वो जगह है जहाँ पर कि ये स्कूल जो है पंजाब का कम से कम 50 साल पुराना स्कूल है, जिसमें कि इस स्कूल की जो बाहर की जो आने जाने का मार्ग है, जो सड़क है, वो इससे करीब 8 फुट ऊंची थी और सारे स्कूल में बारिश का जितना भी पानी था वो सारा इस स्कूल के अंदर आया करता था और स्कूल एक स्कूल न रहकर एक तालाब बन जाया करता था। स्कूल के अध्यापकों और बच्चों को वॉशरूम जाने के लिए स्थान नहीं होता था और पानी भरा होता था, लेकिन ये पेवमेंट बनाकर इस कार्य को सुगम बनाया गया है। ये जो मेन बाउंड्री वॉल है, ये बरसात के दिनों में अक्सर गिर जाया करती थी। इसको जब से हमारे प्रिंसिपल मैडम 2011 से आए हैं, तब से इसको 2 बार जो है इसको बनवाया गया था, लेकिन ये हर साल जो है ये फिर से गिर जाती थी। किंतु इसका मैडम ने टेक्निकली जो है वो लेकर इस स्कूल के मेन गेट को जो है सड़क से ऊंचा उठा दिया है और इस रैंप के कारण इसको ऊंचा उठाकर इसको इस प्रकार सीढ़ी नुमा बनाया गया है इसकी एंट्रेंस को, कि स्कूल में अब एक बारिश में सड़क के पानी की एक बूंद भी जो है अंदर नहीं आती और सिर्फ स्कूल का पानी है जो हमें समेटना है। आगे मैं आपको जाकर बताऊंगी कि किस प्रकार जो पानी का तालाब बन जाता था ये स्कूल, अब इसके लिए मोटर का इंतज़ाम करके कैसे उसको बाहर इस पानी को फेंका जाता है और स्कूल को जो है पानी से रहित रखा जाता है। एक दूसरे गेट का भी आयोजन किया गया जहाँ से बच्चों और अध्यापकों के आने का रास्ता बन गया, ताकि वो सुगमता से जो है अपनी कार जो है अपनी पार्किंग कर सकें। ये हम स्कूल के उस जगह पर खड़े हैं जहाँ सुबह की प्रार्थना सभा होती है। तो यहाँ पर बरसात के दिनों में हल्की सी भी बारिश आने पर जो सारा पानी भर जाता था, जैसा मैंने बताया कि मेन गेट से सारा सड़क का पानी है जो स्कूल में आ जाता था, तो वो सारा पानी इस स्कूल में भर जाता था। लेकिन स्वच्छ भारत के अभियान के तहत प्रिंसिपल मैडम की मेहनत के द्वारा और उनके अपने रिसोर्सेज और टेक्निकली जो है हेल्प देने के लिए गुरतेज सिंह और स्वीपर सतपाल सिंह के सौजन्य से ये जो है स्कूल में जो एक इंजन के द्वारा वेस्ट जो रेन वाटर है उसको निकालने के लिए ये जो है सिस्टम किया गया है, ताकि जब भी बारिश का पानी हल्का सा भी इस एरिया में आए तो उसको जो है ये डीजल डालकर मोटर चलाकर इस पाइप के थ्रू पीछे का पुराना गंदा पानी का तालाब है उसमें फेंका जा सके। और अब कभी भी बारिश आए तो आधे घंटे के बीच हमारा स्कूल जो है जो पहले पानी में डूब जाता था, यहाँ पर सर्वाइव करना, यहाँ पर चलना फिरना मुश्किल हो जाता था, तो अब हमने इस जो है मुसीबत से इस मुश्किल से निजात पाई है। यहाँ है बच्चों के पीने के पानी का इंतज़ाम। यहाँ पर फिल्टर लगाए गए हैं, एक्वागार्ड फिल्टर लगाकर बच्चों को ये जो रेफ्रिजरेशन जो कंटेनर्स हैं, ढके हुए कंटेनर्स, सील्ड कंटेनर जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। बच्चों को आरओ किया हुआ, स्वच्छ किया हुआ पानी और ठंडा पानी जो पीने के लिए यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। बच्चे यहाँ पंक्ति बनाकर अपना पानी पीते हैं। खाना परोसने से पहले जो कुक महिलाएं हैं वो हैंड वॉश करके फिर थालों को बच्चों के लिए
सजाती हैं और बच्चे भी अपना प्रत्येक बच्चा हैंड वॉश करते हुए खाना खाने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार इन साफ़ सुथरे बर्तनों में विद्यार्थियों को यहाँ बैठाकर एकत्रित रूप में यहाँ खाना परोसा जाता है। अब हम लिए चलते हैं आपको स्कूल के क्लासरूम्स में। क्लासरूम के बाहर बच्चों द्वारा लगाए गए पौधे रखे गए हैं जिससे कि वातावरण का शुद्धिकरण हो सके। आइए चलते हैं क्लास में। यह है कक्षा का कमरा जहाँ पर विद्यार्थी बेंचों पर बैठे हुए पढ़ रहे हैं। यहाँ की कमरों की रोज़ बच्चों द्वारा और सेवादार द्वारा सफाई की जाती है। इसका रखरखाव जो है वो बच्चों द्वारा किया जाता है और प्रत्येक कमरे में यहाँ डस्टबिन मौजूद है और दैनिक रूप से कार्य करने के लिए, सफाई करने के लिए बच्चों के पास झाड़ू और डस्टपैन भी मौजूद हैं। प्रत्येक कक्षा में श्याम पट का जो है प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक बरांडे में बच्चों के प्रयोग हेतु जो है डस्टबिन्स रखे गए हैं और प्रत्येक कक्षा के बरांडे में बच्चों द्वारा ही लगाए गए और इनके द्वारा ही संरक्षण किए गए पौधे और गमले पड़े हैं। आप देखिए स्कूल का जो बरामदा है उनमें प्रत्येक बरामदे में डस्टबिनों का जगह जगह पर डस्टबिन रखे गए हैं और प्रत्येक कक्षा के आगे जो पौधे हैं प्रत्येक कक्षा के बच्चों द्वारा लगाए गए हैं उनके जन्मदिन पर या उनके घर में किसी भी खुशी पर, और उनका संरक्षण भी दैनिक रूप से किया जा रहा है। आइए अब हम लिए चलते हैं आपको छात्राओं के लिए बने हुए वॉशरूम्स में। पहले वाले आपने वॉशरूम देखे उसके मुकाबले में ये नए वॉशरूम जो है लड़कियों के लिए 4 वॉशरूम जो हैं तैयार किए गए हैं जहाँ पर बच्चों के आफ्टर एंड विद इन यूज़ करने के लिए जो है वॉशरूम में टैप्स लगाई गई हैं और वेस्ट जो है उसको डालने के लिए डस्टबिन यूज़ किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशंस में हैं और वेंटिलेशन के लिए यहाँ जो है रोशनदान रखे गए हैं और बिल्कुल नेचुरल लाइट और एयर से ये जगह जो है बिल्कुल फिट है और बच्चों के हैंड वॉश के लिए ये सिंक जो है उन पर जो है लिक्विड सोप या केक ऑफ सोप जो है वो अक्सर रखी जाती है ताकि बच्चे इसका इस्तेमाल करके हाइजीनिक तौर से स्वस्थ रह सकें। और टॉयलेट्स की क्लीनिंग के लिए जो है हार्पिक एंड फिनाइल का डेली बेसिस यूज़ किया जाता है और इनको डेली जो है क्लीन किया जाता है। अब हम लिए चलते हैं आपको अध्यापकों के वॉशरूम्स की ओर। इसमें आधुनिक तकनीक के वॉशरूम्स हैं और एयर और लाइट और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर पूरी तरह से साफ सुथरे जो वॉशरूम्स हैं उनका उपयोग किया जाता है। आफ्टर टॉयलेट यूज़ के लिए पानी की टूटियाँ और फ्लश करने का पूर्ण रूप से सिस्टम है और एयर और वेंटिलेशन दोनों का पूर्ण रूप से जो है इंतज़ाम किया गया है। अध्यापकों के लिए भी हैंड वॉश के लिए जो है लिक्विड सोप का इंतज़ाम किया हुआ है और लाइट, शीशा और डस्टबिन यूज़ करने के लिए यहाँ रखे गए हैं। इन सब के साथ साथ जो है सेप्टिक टैंक बनाया गया है जिसमें कि यहाँ का सारा जो वेस्टेज है जो भी उसमें सेप्टिक टैंक में आती है उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद ये जो है उस दूसरे टैंक में जाती है जो कि बाहर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सीवरेज के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो सारा पानी है जो जाके सीवरेज के साथ मिलता है। इस प्रकार स्कूल की सारी टॉयलेट्स और वेस्टेज को मेंटेन किया गया है
वेल मेंटेन किया गया है। अब हम आपको स्कूल की ब्यूटिफिकेशन की जो एक झलक है आपको देने जा रहे हैं। अध्यापकों द्वारा स्वयं ही इन जो विरासती पेड़ हैं तो इनके संरक्षण हेतु जो खाली जगह पर है, मैडम सुधा जैन द्वारा ये बनाए गए 10 स्टार 10 पेड़ों को स्टार के रूप में जो है प्रस्तुत किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इन्हीं दस ही स्टारों में जो है अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं और इनका संरक्षण अध्यापकों द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा और माली द्वारा किया जाता है। आइए आपको मैं जो स्कूल में लैंडस्केपिंग की गई है उसका कुछ झलक दिखलाती हूँ। ये 1 स्टार में एलोवेरा लगाया गया है ताकि बच्चे इसको जो है प्रयोग भी कर सकें और स्कूल की सुंदरता में भी ये योगदान दे सकें। ये लैंडस्केपिंग जो है मेरे द्वारा ही इस स्कूल में की गई है ताकि इन जो पेड़ों का है संरक्षण किया जा सके। अलग अलग तरह के अलग अलग समय पर मौसम के अनुसार यहाँ फूलों का भी आयोजन किया जाता है ताकि ये स्कूल और इस कैंपस की शान को बढ़ा सके। स्कूल में समय समय पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत भिन्न भिन्न मुकाबले करवाए जाते हैं, जैसे पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग और भाषण प्रतियोगिता, प्रतिवाद प्रतियोगिता, कविता गायन प्रतियोगिताएं आदि करवाई जाती हैं। मुकाबले के बाद जो पोस्टर्स और स्लोगन्स हैं उनको स्कूल के इस नोटिस बोर्ड पर टांगा जाता है ताकि बच्चे आते जाते इसको पढ़ सकें और इससे प्रेरित हो सकें।